अब तो वो मालिक ही नहीं है इस खसरे में, इस प्रॉपर्टी में तो हम मालिक हैं। इट इज़ करेक्ट दैट आई मैंशनड इन माई कंप्लेंट दैट ओनली माई वाइफ वाज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस, उसको प्रूव करने के लिए मैंने सवालात किए कि इट इज़ करेक्ट दैट आई मैंशनड इन माई कंप्लेंट दैट ओनली माई वाइफ वाज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस एट द टाइम ऑफ अलेज्ड अकरेंस। इट इज़ करेक्ट दैट आई डिड नॉट मैंशन इन माई कंप्लेंट दैट आई वॉज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस एट द टाइम ऑफ अकरेंस, यानी कि वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। उसने ये कहा कि कंप्लेंट ये है कि मेरी बीवी वहाँ पे मौके पे मौजूद थी, मैं जब वापस आया तो मेरी बीवी ने बताया कि फलां फलां शख्स आए थे, उन्होंने वहाँ पे हल जलाया और वहाँ पे कब्ज़ा किया। मीनिंग देयर बाय कि इन्होंने खुद यहाँ एडमिट कर लिया कि ये तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। इट इज़ करेक्ट दैट माई वाइफ डिड नॉट कम टू कोर्ट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ हर एविडेंस। अब इसमें एक ही विटनेस है, चश्मदीद गवाह एक ही है, वो मेरी वाइफ है। कंप्लेनेंट भी उन्हें होना चाहिए था। चले फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम ये कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कंप्लेनेंट तो कोई भी हो सकता है एफआईआर का, या इस्तगासा कोई भी फाइल कर सकता है, इन्फॉर्मर कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें दी बेस्ट एविडेंस जो थी वो चश्मदीद गवाह आई विटनेस बीवी का आना ज़रूरी था। उसने एडमिट कर लिया कि वो नहीं आई कोर्ट में एविडेंस देने के लिए। इट इज़ इनकोरेक्ट टू सजेस्ट दैट शी डिड नॉट कम टू इन द कोर्ट as she doesn't want to support my false and fabricated complaint. It is correct that I did not witness the occurrence. ab ye admit kar liya, yahan pe admitted fact aa gaya. It is correct that I did not witness the occurrence or admitted fact need not to be proved. It is incorrect that I am here a witness of alleged occurrence. It is correct that signatures and thumb impression on the complaint are mine. It is correct that the complaint was read over to me. It is incorrect that it is not mentioned in the complaint that when I visited the suit place, the suit land has already been plotted. अब उसने यहाँ से डिनाई किया तो ये डॉक्यूमेंट उस पर पुट किया गया कंप्लेंट का, और पुट करके कन्फ्रंट कराया गया और इसमें आ गया कन्फ्रंटेड विद द कंप्लेंट वेयर इट इज नॉट सो मैंशन। It is incorrect to suggest that I am deliberately telling a lie about mentioning about said fact. यानी कि उसने उसमें जिक्र कोई नहीं किया जबकि वो कहता है जी मैंने वहाँ पर जिक्र किया था। It is correct that my wife did not visit the police station for registration of any FIR and recording her statement. अब दो सूरतें हो सकती थी, अगर कोई ऐसी अक्रंस हुई थी तो ये फौरी तौर पर वहाँ पर थाने जाते, ना तो उसकी वाइफ गई ना ये गया। अगर सपोज ये गया भी थाने तो अपनी वाइफ को 161 की स्टेटमेंट के लिए भी नहीं लेके गया। इट मीन्स कि द बेस्ट एविडेंस वाज विथहेल्ड। इट इज़ इनकोरेक्ट दैट अ सूट टाइटल मोहम्मद हनीफ वाज वर्सेस अदालत इज पेंडिंग बिफोर द सिविल कोर्ट। ये है कि सिविल को क्रिमिनल का रंग देने के लिए उन्होंने किया। I did not receive any summon in above said case. It is incorrect to suggest that I am deliberately concealing the fact of pendency of above mentioned civil suit. इसमें ये कि सिविल सूट पेंडिंग है जिसमें वो हाजिर हो चुका है और वो हाजिर होकर वो जवाब भी दे चुका है। It is correct that local commissioner visited the place of occurrence in presence of tehsildar police. It is incorrect to suggest that I did not produce any record of rights to the commissioner. It is incorrect that my name is not mentioned in record of rights in the list of owner. अब कोई भी होता तो वो ऑनर रिपोर्ट को वो प्रोड्यूस करता, वो एग्जिबिट कराता डॉक्यूमेंट अपनी ओनरशिप प्रूव करने के लिए कि है उसने, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का नहीं पेश किया। मीनिंग देयर बाय कि वो अपने आप को सबसे पहला इन्ग्रीडियंट जो है कि वो ओनर ही प्रूव नहीं कर सका। एट दिस स्टेज अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स डेटेड 8/5/2022 सबमिटेड एज एग्जिबिट डी ए। मीनिंग देयर बाय कि मैंने इस स्टेज पे उसने तो नहीं लगाया था तो मैंने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उसके सामने कन्फ्रंट कराया कि ये वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। उसने उसको एडमिट किया कि ये वही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, राइट है। वेयर द नेम ऑफ कंप्लेनेंट इज मैंशनड इन खसरा नंबर 1772 एंड इज नॉट मैंशन इन खसरा नंबर 1774। उनका क्लेम 1774 के मुतलक है जिसमें वो मालिकान में मौजूद ही नहीं, वो तो 1772 में मौजूद है। अब उन्होंने यही वजह थी कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की और ये रिकॉर्ड साथ नहीं लगाया कि वो वहाँ पे मालिक प्रूव ही नहीं हो रहे थे। इट इज़ करेक्ट दैट आई डिड नॉट प्रोड्यूस एनी विटनेस रिगार्डिंग जिरगा। अब उसने अपनी कंप्लेंट में कहा कि मैं जिरगे लेके गया और मैंने जिरगे से भी नहीं कहा कि ये जगह छोड़ दें, लेकिन उसने कोई विटनेस वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया। इट इज़ इनकोरेक्ट दैट द कंप्लेनेंट इज़ द इनहेरिटेड ओनर ऑफ द सेड लैंड। इट इज़ इनकोरेक्ट टू सजेस्ट दैट Respondent are in lawful possession of said suit land.
इट इज़ इनको वो मेरी सजेशन आ गई जो भी मैंने उसमें मेरा मौकफ था वो मैंने इसमें किया। दो लाइनें छोड़ के आगे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें है कि इसने जो दूसरा विटनेस वहाँ